यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सुमी में एक रसायन संयंत्र से अमोनिया का रिसाव हुआ है। सुमी के गवर्नर दमित्री ज़िवेत्स्की ने ये जानकारी दी है। ज़िवेत्स्की ने सुमी खिमप्रोम संयंत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को कहा है कि वे इस क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि ये गैस खतरनाक है। उन्होंने ये साफ नहीं किया कि आखिर ये रिसाव क्यों और कैसे हुआ। दमित्री ज़िवेत्स्की ने टेलीग्राम के जरिए ये बताया कि गैस का रिसाव स्थानीय समयानुसार 4:30 बजे हुआ। यूक्रेन ने मारियूपोल में समर्पण करने से इनकार कर दिया है। रूस से यूक्रेन को अपने स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे तक शहर छोड़ने को कहा गया था, जिसे यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले को खत्म करने को लेकर अगर बातचीत असफल रही तो ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। रविवार को अमेरिकी न्यूज चैनल CNN से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि बातचीत ही इस युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। ज़ेलेंस्की ने कहा, मुझे लगता है कि हमें बातचीत की संभावना के लिए किसी भी प्रारूप, किसी भी अवसर का उपयोग करना ही चाहिए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने साफ किया है कि वह ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जिसके तहत यूक्रेन को रूस प्रायोजित अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी पड़े। यूक्रेनी राष्ट्रपति का मानना है कि अगर उनका देश नेटो संगठन का हिस्सा होता तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती। उन्होंने कहा, अगर नेटो के सदस्य हमें गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं तो वो इसे तुरंत करें, क्योंकि इस युद्ध में रोज लोगों की जान जा रही है। इस बीच व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि नेटो और यूरोपीय संघ के सहयोगियों के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड का दौरा करेंगे। जो बाइडेन यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए मानवीय प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए वॉर्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने जारी किए बयान में कहा, राष्ट्रपति बाइडेन इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ रूस के हमले के कारण यूक्रेन में पैदा हुए मानवीय और मानवाधिकार संकट पर किस तरह प्रतिक्रिया दे रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने साफ किया है कि अपनी यात्रा के दौरान बाइडेन की यूक्रेन जाने की कोई योजना नहीं है।